म्यूजिक हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, कई दिनों से काफ़ी फ्रेंड कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी आ रहा था कि नोट वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आइए 3D वाली। फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल तो मैं लेकर आया हूँ, बट इसका जो प्रोजेक्ट लिंक है मैं कहाँ पर दूंगा, वीडियो के लास्ट में या बीच में कहीं पर भी मैं बता दूंगा, तो पूरी वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, नोट वीडियो का जो मैं ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं और लाइक कमेंट भी नहीं आता, इसलिए मैं इसका ट्यूटोरियल बंद कर रहा था। इसी के कारण मेरे पास जो भी इसका PNG या मटेरियल जिससे मैं प्रोजेक्ट तैयार करता था, मैंने सारे के सारे डिलीट भी कर दिए थे। इसी की वजह से कई दिनों से मैं इसे बना नहीं रहा था। तो जब आप लोगों का मैसेज आया, कमेंट भी आया, तो मैंने इसका ट्यूटोरियल बनाया। बट आज का ट्यूटोरियल मैं न्यू ईयर पे लेकर आया हूँ, जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कमाल की एडिटिंग है और काफ़ी ईजीएस्ट में आप इसे बना सकते हैं। बट इसे आप डायरेक्ट PNG एक्सचेंज करके नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। फिर आप बोलोगे कि शैडो इधर हो रहा है उधर हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आई फ्रेंड्स, चलते फोन के स्क्रीन पर ओपन करते नोट वीडियो एप्लीकेशन को और एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर जो ये मिनी मोड के ऊपर में जो एरो देख सकते हैं, इस पर सिंपली टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद लोड प्रोजेक्ट जिप का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। सोच यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया वो डाउनलोड में आपको सिंपली मिल जाएगा, तो यहाँ डाउनलोड में आ जाइएगा। डाउनलोड में आने के बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर करके उसका नाम दिया था, तो मैंने शायद मेरे पास नीचे होगा थोड़ा, तो मैं उसे देख लेता हूँ। मैं थोड़ा उसे ढूंढ लेता हूँ, शायद कहाँ पे चला, ये वाला रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर यहाँ पे लिखा हुआ जो आ रहा है, इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। जो मैं आपको दूंगा तो आपको डाउनलोड में जस्ट मिल जाएगा, मेरे पास ये नीचे चला गया था, क्योंकि एडिटिंग और भी मैंने करा तो उसकी वजह से ये नीचे चला गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे अब मैंने इस पे प्रोजेक्ट बनाया था, तो कई ठो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो ये वाला फाइनल एडिटिंग करके मैंने आपको दे दिया, तो इस पे आपको सिंपली टैप कर लेना है। सो कि यहाँ पे जब आप टैप कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा भी, तो इस तरह से ये 3D में मूव करेगा। जो इस तरह का हैप्पी न्यू ईयर वाला मैंने बनाया, बट इस तरह का काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है तो हैप्पी बर्थडे वाला था, और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे इसका ट्यूटोरियल लाने के लिए, तो मैं इसका बनाया हूँ। बट मैंने इसे हैप्पी न्यू ईयर वाला बना दिया, तो आप चाहे तो यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर भी रख सकते हैं, या एक्सचेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ट्यूटोरियल ला दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे देखते हो कोई भी सॉन्ग नहीं लगा हुआ, तो सबसे पहले आपको सॉन्ग एक तो लगा लेना है, तो यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडिया का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली आपको टैप कर देना। टैप करने के बाद लोड फ्रॉम फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन मेरे में आ रहा है, बट आपका जहाँ पे भी ऑडियो होगा वहाँ पे क्लिक करके ऑडियो ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑडियो आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 30 सेकंड का प्रोजेक्ट बनाकर आपको दिया है, तो आप चाहे तो 30 सेकंड बना सकते हैं, या कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग आप 30 सेकंड का ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं तब तक के लिए कोई भी सॉन्ग ऐड कर दे, तो जैसे मैंने इस वाले सॉन्ग को ऐड कर दिया, अब सॉन्ग कितना टाइम का उसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट 30 सेकंड का ही है और सॉन्ग 35 सेकंड का है। तो यहाँ पे जो एरो देख सकते हैं, इस पर आपको टैप कर देना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ नीचे जो ये टाइम वर्ड देख सकते हैं, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, इसके सामने यहाँ पर लेकर आइएगा। ऊपर भी ये व्हाइट वाला जो देख सकते हैं यहाँ पे दिखेगा, तो इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करना, ट्रिमर वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा कटेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आपका बन जाएगा, नेक्स्ट लेयर, तो इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, इसे डिलीट कर दीजिएगा, तो यहाँ से ऑडियो डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अपना PNG मॉडल PNG जो है उसे एक्सचेंज करना है इस वाले को। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से इसे डिलीट ही कर देना होगा, ठीक है। ये वाला जो इमेज 5 आप देख सकते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला डिलीट हो गया, इस साइड वाला जो था यहाँ पे नीचे वाला डिलीट हो गया। अब ऊपर वाला डिलीट करना है, तो यहाँ पे आइएगा, ये वाला देख सकते हैं इमेज 5, इसे भी सिलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। डिलीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसे तो पहले बैक कर लेते हैं। नीचे जो ये इस साइड में आइएगा, यहाँ पे जो ये डेट वाला प्लस का आइकन दिख रहा है सेकेंड वाला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, यहाँ पे आपको इमेज वाले ऑप्शन पर टैप करना है। फ्रेंड्स, जो PNG आप अपना यहाँ पे ऐड करना चाहते हो उस PNG को सिंपली ले लीजिएगा।
तो उसके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, गैलरी में चलते हैं, मतलब एल्बम में चलते हैं, एल्बम में चलकर हमें ऐड करने में आसानी होती है। तो जहाँ पे भी आपका PNG होगा उसे ले लीजिएगा। तो मैंने ये वाला PNG यहाँ पे बना कर रखा है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PNG कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको ये इमेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ग्रुप के जस्ट बगल में, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये बॉक्स देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना। जब बॉक्स पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो कन्वर्ट टू का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना 3D वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 3D पर क्लिक कीजिएगा, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये देख सकते हैं एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है तो 0.050 है, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स 5 को 3D कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर इसे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। इसका काम हो गया। अब ऊपर ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसे ऊपर करना है इस तरह से। ऊपर करके इसे आप जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के लिए स्केल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जूम हो रहा है, इस तरह से आप जूम कर सकते हैं इसे और फिर इसे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आप रोटेशन वाला जो ऑप्शन है तो इसे फ्लिप कर सकते हैं, जिस साइड भी आपको करना हो फ्लिप कर सकते हैं इसे। तो मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ये 0 करते हैं इसे, यह रहा। अब इसे आपको देख लेना है कि आप इसे जूम कितना करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, ताकि 3D इफेक्ट जो आए तो इसमें अच्छे से आ जाए। और स्केल की मदद से थोड़ा इसे छोटा करते हैं, फिर इसे इस साइड में थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे और इसे ज़मीन से सटा कर ही रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसका एक थोड़ा डुप्लीकेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट हो गया। अब ये डुप्लीकेट वाला तो इस साइड में आ गया, तो आपको क्या करना है इसे नीचे की तरफ करना है यहाँ पे इस तरह से। तो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहीं पे रखते हैं पहले और इसे रोटेट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस साइड में करते हैं ताकि रोटेट करने पे आसानी हो। और नीचे जो रोटेशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसे रोटेट कर दीजिएगा इस तरह से, पूरा नीचे की तरफ। यहाँ पे देखते हैं परफेक्टली हो गया, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इसे फिर से बॉडी के पास में लेकर आ जाना है, जैसे कि ये बॉडी पर ही हो इस तरह से, यहाँ पे दिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे नीचे की तरफ यहाँ पे कर लेना है, पैर के एकदम जस्ट नीचे इस तरह से कि शैडो की तरह यहाँ पे आ जाए। अब इसे आपको यहाँ से उठाना है और सिंपली इस साइड में लेकर आ जाना है, ठीक है, एकदम साइड में लेकर आ जाइएगा और यहाँ पे इसे रखते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं शैडो की तरह नीचे में आ गया, सबसे लास्ट में ही मैंने इसे रखा और ये शैडो की तरह आ गया। बस हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रुप पर क्लिक करेंगे ताकि एडजस्ट कर सके, चेक कर सके। तो इसका टाइमिंग आपको एडजस्ट करना होगा, मैंने इसका टाइमिंग एडजस्ट नहीं किया। तो सबसे पहले इस इमेज पर क्लिक कीजिएगा, इमेज पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और ये 10 जो है तो इसे आपको 30 कर देना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, 30 हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड वाला इस साइड में जो इमेज हम ले गए हैं उसे भी करना है, तो ये सबसे लास्ट में ही है, इसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो टाइमिंग है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और फिर इसे आपको 30 कर देना है। सिंपली ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको ग्रुप पे आ जाना है, यहाँ पे जो ग्रुप लिखा हो उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो ये साउंड मैं तब तक के लिए डिलीट ही कर लेता हूँ, अपने साउंड रहने दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एडिटिंग बता रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देख सकते हैं इसे अब यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से आपकी एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी इजी स्टेप में आपने अपना इमेज चेंज किया और ये एडिटिंग कम्प्लीट हो गई। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। बट ये काफ़ी अच्छी तरह से हो चुकी है फ्रेंड्स। इसका पूरा एडिटिंग अगर आप चाहते हैं तो ये कम से कम 20 सेकंड से 25 सेकंड का बनेगा। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका एडिटिंग बता दूंगा, इसका हैप्पी बर्थडे वाला मैं लेकर आ जाऊँगा, तो इस पर आप कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको इसका पूरा प्रोजेक्ट चाहिए या बस इसी से आप काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, यहाँ पे आपको सॉन्ग लगा लेना, जो कि मैंने सॉन्ग पहले से लगाया था, तो मैं इसे बैक करता हूँ, सॉन्ग ऑटोमेटिक आ गया। देन यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं नीचे में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपका जो रेजोल्यूशन है सो 1080 रख लीजिएगा, FPS 60 रख लीजिएगा और क्वालिटी वेरी हाई कर लीजिएगा, इससे आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है कम नहीं होगी। फ्रेंड्स नीचे में जो एरो ग्रीन बटन देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह के एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसका प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के अबाउट में जाकर मुझे कमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा, पर्सनली दिया जाएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।